नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र पोल है। मैं कंसल्टेंट इन हेमेटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट हूँ। करेंटली मैं मणिपाल हॉस्पिटल बानेर पुणे में फुल टाइम हेमेटोलॉजिस्ट के तौर पे हूँ। फ्रेंड्स, फरवरी ये कैंसर अवेयरनेस मंथ है ऑफ एवरी ईयर। मेरे स्पेशलिटी में हेमेटोलॉजी में डील्स विथ ब्लड कैंसर्स या बोन मैरो कैंसर्स, ये दोनों एक ही प्रकार हैं। इसेंशियली इसका मतलब ये है कि बोन मैरो कैंसर्स इधर बोन मैरो में शुरू हो सकते हैं या आपके कोई भी ऑर्गन में या लिम्फ नोड्स में या लिम्फ ग्लैंड्स में शुरू हो सकते हैं। इसके कॉमन प्रेजेंटेशंस हैं वीकनेस, टायर्डनेस, कोई भी बॉडी के पार्ट पर एक बड़ा स्वेलिंग होना, जैसे नेक में या आर्म पिट्स में या ग्रॉइंस में। स्वेलिंग छोटा हो सकता है 1 to 2 centimeters, लेकिन कभी कभी रैपिडली ग्रो होकर 10 या 15 centimeters तक भी जा सकता है। ये बाकी के ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है और इसी कारण ऐसे पेशेंट्स आइदर अपने जीपीस के पास जाते हैं या हॉस्पिटल विजिट करते हैं। फ्रेंड्स, इसको हेमेटोलॉजिस्ट का एग्जामिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हेमेटोलॉजिस्ट पूरी तरह से पेशेंट को देखेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे और रेलिवेंट ब्लड टेस्ट और लगे तो बोन मैरो बायोप्सी भी करेंगे। इसके अलावा स्पेशल तरह के स्कैन्स होते हैं, जैसे सीटी स्कैन्स, एमआरआई स्कैन्स और पेट स्कैन्स। इन सब इन्वेस्टिगेशंस का एक ही उद्देश्य है, टू मेक अ डायग्नोसिस, क्योंकि जब तक प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होता तब तक ट्रीटमेंट डिसीजन कर पाना मुश्किल होता है। एज सून एज डायग्नोसिस होता है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, यूजुअली विद कीमोथेरेपी यानी मेडिसिन से, विच कैन बी टैबलेट्स और इंजेक्शंस। कभी कभी रेडिएशन का इस्तेमाल होता है ऐसे चीज़ों में। एंड इन सम केसेस अगर कीमोथेरेपी इफेक्टिव नहीं है तो वी कैन गिव टारगेटेड ट्रीटमेंट्स लाइक इम्यूनोथेरेपी या इम्यूनो कीमोथेरेपी या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या कार टी थेरेपी, जो कि लेटेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है इन ट्रीटमेंट ऑफ दीज ब्लड कैंसर्स और बोन मैरो प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, दिस मंथ इज फॉर अवेयरनेस। पर हम यही जहन में रखें कि ऑल ईयर राउंड कैंसर के सिम्टम्स और साइंस को ध्यान में रखें और कोई भी ऐसे पेशेंट्स को अगर ऐसी परेशानी हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म अस एंड वी कैन टेक इट फॉरवर्ड्स, क्योंकि मणिपाल हॉस्पिटल में ऑल द फैसिलिटीज आर देयर, नॉट ओनली फॉर इन्वेस्टिगेशंस बट ऑल्सो ट्रीटमेंट फॉर कीमोथेरेपी एंड स्टेट ऑफ द आर्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यूनिट।